टीम को मेंटेन करना, बाहर तभी जाना जब जाना जरूरी हो और उसके बिना काम ना चले, नहीं तो घर पर रहना ही बेस्ट है। ऑफ कोर्स काम के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा, पर प्रिकॉशन के साथ जाएंगे तो कोरोना का बीमारी हमको भी कम होगा और हम दूसरे लोगों को भी कम देंगे। लोगों के बारे में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो मास्क हम लोग लगाते हैं, तो इस मास्क के जो है वो हमेशा ऑक्सीजन तो ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं उससे उसी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस हम शरीर में ले लेते हैं, तो क्या इससे कुछ गलत प्रभाव शरीर पे पड़ता है? और यदि पड़ रहा है तो उसको हम लोग कैसे रूल आउट करेंगे? मास्क को पहनना जरूरी है। अगर आप अकेले हैं तो भी आप मास्क पहनने से ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पब्लिक स्पेसेस में हैं तो मास्क पहनना जरूरी है। बिकॉज जब भी आप खांसी करते हैं, आपको छींक आता है, तो इन्फेक्शन ज्यादा फैलने का खतरा रहता है, जो कि दूर तक जा सकता है। उसमें 1-1.5 मीटर का डिस्टेंस से भी ज्यादा दूर तक जा सकता है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी रहता है। और हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्मल व्हेन वी आर ब्रीदिंग नॉर्मली, तो उसके लिए ठीक है। अंत में मैं ये पूछना चाहूंगा कि लोगों के अंदर में एक बहुत बड़ी भ्रांति है, जैसा कि 5 महीने से कोरोना के लिए जो है ICMR और WHO की भी गाइडलाइन बार बार चेंज होती जा रही है और कोई एक फॉर्मल डिसीजन नहीं हो पा रहा है, तो एज अ मेडिकल प्रोफेशनल और कोविड एक्सपर्ट आप क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे इस पैंडेमिक से बचने के लिए? देखिए, कोरोना जो ये बीमारी है, ऑफ कोर्स ये नई बीमारी है, वी आर लर्निंग, सो जो नई नई बातें हमें पता चल रही हैं उसी के हिसाब से उनका जो ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा समय समय पर चेंज हो रहा है। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से जो भी कंट्री का ICMR का गाइडलाइंस है और स्टेट गाइडलाइंस है, दे आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल गाइडलाइंस एंड आर ओन कंट्रीज ICMR गाइडलाइंस। सो इफ वी आर फॉलोइंग इधर ICMR और आर स्टेट गाइडलाइंस, वो बहुत ही अच्छा है और सोच समझ के बनाया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा कोशिश रहता है कि उनको कोई लंग इन्फेक्शन ना हो। इसके बाद भी कुछ पेशेंट्स का लंग खराब होता है सेकेंड या थर्ड स्टेज में, जिसमें कि वो अपने आप से सांस नहीं ले पाते हैं, उनको मैकेनिकल वेंटिलेशन का जरूरत पड़ता है और कई बार हमको उनको पेट के बल फुलाना पड़ता है उनके लंग्स को बेहतर करने के लिए। लेकिन अगर इसके बाद भी उनका ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर पाता है, तो लास्ट रिजॉर्ट हमारा होता है कि पेशेंट को आर्टिफिशियल लंग और ECMO पर पेशेंट को डालते हैं। और पब्लिक, आई थिंक मास्क जो हम लगाते हैं, इट इज नॉट वेरी टाइट फिट मास्क, उसमें साइड से थोड़ा सा लूज रहता है, तो उसमें उतना CO2 रिटेंशन का चांसेस नहीं है एज कंपेयर टू द N95 मास्क, जो कि हेल्थ केयर वर्कर यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्व फ्रॉम कोरोना पेशेंट्स इन्फेक्शंस और कंटेमिनेशंस। दूसरी बात है, अगर आप मास्क को पहन के कोई स्ट्रेनुअस काम कर रहे हैं, आप मास्क को पहन के जॉगिंग पे जा रहे हैं, कुछ फिजिकल काम कर रहे हैं, तो आपको सांस में तकलीफ हो सकता है।